हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है एकता, एकता अद्वित सिंह मेरे ब्लॉग का नेम है। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला गुलाब जामुन। ये है इसकी चाशनी जो बन के रेडी हो चुकी है, और ये मैंने डाला है इस पर इलायची पाउडर। और हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में हम डो बनाएंगे का, जो हम पैकेट लाए हुए थे वहाँ से, बाहर मार्केट से। उसमें हमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। तो भाई, ये हमारी चाशनी हो चुकी है, थोड़ी सी है। हम इसमें डाल देंगे ये इलायची, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और थोड़ा सा टेस्ट भी सुंदर सुंदर सा आएगा। हमने इसमें डाल दिया है इलायची का। और ये देखिए, ये हमारा टो बन गया है। इससे तेल या घी जो आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हैं। मैं तो इसमें घी लगाऊंगी। ये देखिए, ऐसे घी लगा के देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, तो बन गया है। तो हम बंद कर देंगे, हमारा हो चुका है चाशनी। अब हम इसका बना लेंगे, अच्छे से कर ले रहे हैं। आप अपने हाथ पे घी लगा, सुबह देख सकते हैं कि मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, इसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे ताकि जाते ही ऐसा ना हो कि फट जाए। तो हम डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, और ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये सारे फट जाएंगे। और हमें बहुत हल्के हल्के चलाना है। सो गाइस, देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। बस ये थोड़ा सा गर्म है अभी, जो ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे। ठंडा होने के बाद अगर गरम गरम डाल देंगे तो ये फट जाएंगे। तो गाइस, हम ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर डालेंगे हम इस पर। आप भी ट्राई करिए, बताइए कैसा लगता है। मैंने तो बनाए हैं पर इस पैकेट के। आप सीमा पाउडर और मोहन मतलब खोए के साथ भी बना सकते हैं, वो थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। सो गाइस, देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं। हमें इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहना है हल्के हाथों से, वरना ये फट जाएंगे। बताइए गाइस कैसे लगे आपको। और आप भी